जी, मैं हरिंद्र सिंह हूँ। संजली हत्याकांड से संजली का पिता, संजली मेरी बेटी थी, गांव लालू का, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। और मेरी बेटी के साथ जो घटना हुई है, किसी के साथ ना हो और ना ऐसा कभी देख पाए, यही मैं आप सबसे गुजारिश है मेरी। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी करीब दोपहर को 1:30 बजे 18 तारीख को स्कूल से लौट रही थी, तभी कुछ मन चले दरिंदों ने उसके पीछे से कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालते हुए लाइटर से आग लगाकर उसे साइकिल पे से खाई में धकेल के आग लगा के भग गए। तत्काल ही हमने पुलिस को सूचना दी, वहां पर पुलिस आई और हमारे परिवार वालों को और लड़की को आगरा के SN मेडिकल हॉल कॉलेज में भर्ती कराया गया। और जब उन्होंने कुछ नहीं सूझा कि यह लड़की की जान को खतरा है, तो सभी अफसरों ने मुझसे सलाह ली, मुझसे कहा कि भाई देखो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है तुम्हें, अगर हम तो यही सलाह देते हैं, तुम गरीब आदमी, तुम पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो नहीं पाएगा, तुम दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में हम पूरी व्यवस्था हम कर देंगे, अगर चाहो तो वहाँ लड़की को भेज सकते हो। तो मैंने सबकी राय मानी, हमें सफदरजंग भेज दिया। उसी दिन करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचे, एडमिट कराया लड़की को। लड़की दूसरे दिन इतनी सूज चुकी थी कि उसकी आंखें बंद हो गई थी, मगर बोलना उसने मरने से 2 घंटे पहले तक नहीं छोड़ा। क्या बोली आपकी बेटी ने, क्या बताया? हमने, हमारे साथ कुछ पुलिस के अफसर भी रहे थे, CO दरोगा और 2 कांस्टेबल। तो मैं तो उसके पास जाता रहता था, लड़की के पास तभी जाता, तभी पूछता, बेटी तेरे साथ क्या घटना हुई है, तू कुछ जानती हो तो बता, तुझे न्याय मिल सके, तेरे साथ इंसाफ हो सके। तो मेरी बेटी बस यही कहती थी कि पापा ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं जानती, 2 मन चले लड़के पीछे से आए और मेरे ऊपर कुछ जलनशील पदार्थ डाला और लाइटर से आग लगा के मुझे खाई में धकेले। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, लाल मोटरसाइकिल बताई थी उसने। जब भी हमने पूछा तब बस यही सवाल, उसने यही जवाब दिया। और तो पुलिस ने तो कहा है कि आपके भाई के बेटे ने ये किया है खुद ने? नहीं, ये पुलिस का, समाज का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर और भी सभी का प्रेशर मानते हुए कि घटना का खुलासा जल्दी करिए, आगरा की पुलिस क्या कर रही है, आगरा की पुलिस से कैदी नहीं बच पा, पकड़ पा रहे, जबकि किसी की भैंस खो जाए तो योगी जी को 24 घंटे में पकड़ के देती है। तो इस दबाव में आते हुए उन्होंने एक मेरा भतीजा योगेश, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उसको कुछ दे दिया या खुद खा लिया उसने, वो मर चुका था। तो पुलिस ने कहा भाई कोई हमें कुछ मिल नहीं पा रहा सबूत और हम परेशान भी हो चुके, तो अब उससे ज्यादा कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे, क्यों नहीं ये केस यही योगेश के ऊपर हेर फेर के रख के यही खत्म कर दें। मेरा मानना तो ये है। हरेंद्र जी, अखबारों में छपा है कि पुलिस ने जो लोग पकड़े, 3 लोग थे, उसमें से योगेश मर चुका है, लेकिन बाकी के जो 2 बच्चे हैं उन्होंने आपके सामने कबूल किया? जी, कबूल किया उन्होंने, घटना का पूरी तरह उन्होंने बोला था कि हमने घटना की है, ऐसे ऐसे की, पूरी प्लानिंग बताई। मगर जब कुछ दिन बाद मैं उनसे जेल में मिलने गया, तो एक मेरे भाई का, साले का लड़का था, वो मुझसे फूफा कहता था, वो कह रहा फूफा जी आप कुछ भी मानिए, इस घटना को हमने करी, किसी और ने करी, आप कुछ दुनिया मान नहीं, मगर हम आपसे बताएं कि ये घटना हमने नहीं करी है, और पुलिस ने हमें मार मार के जबरदस्ती टॉर्चर करके और हमसे ये बयान करने को कहा था कि तुम्हें कबूल करना है कि तुम ये घटना तुमने ही करी है, और नहीं तो सालों तुम्हारे घर वालों को पकड़ेंगे, उनको परेशान करेंगे, तुम्हें मारेंगे ज्यादा और परेशान करेंगे, ये सब उन लड़कों ने बताया। और आप पर भी हमला हुआ कुछ महीनों पहले? हाँ सर, 1 महीने इस घटना से 1 महीने करीब पहले मेरे साथ भी एक घटना हुई थी ऐसी। 2 बाइक सवार लड़कों ने पीछे मेरे पीछे से आकर कोई भारी सामान मारा, जिससे मैं बेहोशी की हालत में आ गया था। मैं बाइक बताओ तो मैं गिर जाता तो उस चीटा मर जाता। उस घटना को भी इन्होंने कबूल किया था,
मगर उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि जो लड़की के साथ घटना हुई थी उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, जो घटना मेरे साथ हुई है उसका तो मुझे पता है कैसे हुई है कब हुई है। तो उन लड़कों ने घटना तो सब सेम ऐसे ही बताई थी कि जैसे होनी चाहिए, मगर उन्होंने समय कुछ ऐसा बताया था कि उस दिन मैं फैक्ट्री से, मेरा प्राइवेट जॉब है जूते फैक्ट्री में, फैक्ट्री से रात को करीब 8 सवा 8 बजे निकला था और ये घटना 9 के आसपास की थी रास्ते में। उन लड़कों ने बताया कि ये 6 बजे फैक्ट्री से निकले थे, तो मैंने वही पकड़ कर लिया कि ये झूठ बोल रहा लड़का बिल्कुल। तो आपको यकीन नहीं है कि पुलिस जो कह रही है उस? अब देखिए यकीन तो वो लड़का मर गया, तो मैं जानता हूं कि 50% लोगों को यकीन हो चुका है कि ये लड़का मर गया है, इसी ने तभी मरा है ये, कैसे ने ये कांड किया हुआ, मगर मैं नहीं मानता क्योंकि वो मेरा भतीजा था, रोज मेरे पास आता, मुझसे बात करता, मेरे बच्चों को खिलाता और उनके साथ हंसी मजाक भी करता खेलता था, तो मैं कैसे मान लूं कि ये लड़का ऐसे कर सकेगा मेरे साथ। पुलिस कह रही है कि उसके मोबाइल में और आपकी बेटी के मोबाइल में कई सारी चीजें मिली। देखिए मुझे तो पुलिस ने कुछ साक्ष्य दिखाए नहीं है, एक आध सर्टिफिकेट दिखाया था मुझे कि ये लड़की को साइकिल इसने दी थी, इसकी रसीद देखी योगेश के नाम पे, और ये सर्टिफिकेट है इसने खुद बना के दिया है, प्लेन सर्टिफिकेट दिखाया मुझे, और एक मोबाइल में एक लेटर भी दिखाया कि देखिए लेटर योगेश के लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मैं सर मैं कैसे मान लूँ कि ये योगेश का लिखा हुआ है, मैं उसकी हैंड राइटिंग मिलाऊंगा, ना तो इसमें योगेश का नाम ना संजली का नाम, मैं कैसे मान लूँ योगेश का है ये। आपकी बेटी के पास मोबाइल रहता था? जी नहीं, मेरे बच्चों के किसी पास मोबाइल नहीं रहता था, मोबाइल केवल मेरे पास रहता, एक कीपैड घर पर रहता था, और ये मोबाइल जो है बच्चे सुबह शाम 1 आध घंटे सभी बच्चे खेल लेते थे, बाकी पूरे दिन मेरे साथ रहता था मोबाइल। तो ये जो कहानी पुलिस कह रही है कि व्हाट्सएप पर और प्रेम पत्र लिखे गए आपस में, ये कहानी? तो ऐसा तो मैंने कभी मोबाइल अपने में, चलो मान लेते हैं बच्चे तेज होते हैं डिलीट कर देते हैं, मगर भूल सबसे होती है, अगर ऐसी बात होती तो लड़की एक आध मैसेज उसमें भूल कर भी छोड़ सकती थी, तो उसको मैं पढ़ लेता, जब मुझे अपने मोबाइल में कुछ नहीं मिला तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो पुलिस ने आपको कोई सबूत बताया नहीं? कोई सबूत नहीं बताए, वो नहीं, दावा पुलिस पुलिस जो कर कह रही है कि मोटरसाइकिल जो थी वो पकड़ में आ गई है और मोटरसाइकिल वो अपने दोस्त से लेके आया था किसी काम से या कैसे भी, वो हाई कास्ट का लड़का है, वो भी दवा में आके कैसे भी आके वो भी कह रहा है कि हाँ ये मोटरसाइकिल मुझसे ले गया था, फिर शाम को वापस भी करके आया है, अपनी छोड़ के गया था मेरे पास, मेरी लेके गया था शाम को, फिर अपनी ले गया मेरे, मेरी मेरे पास छोड़ गया, वो भी सब यही कह रहा है, मगर मैं नहीं मानता इस बात को। तो हरण जी, आपको पुलिस की अब तक की कार्रवाई पे भरोसा नहीं है, तो जी अब क्या चाहते हैं आप? अब तो शायद ही ये सीबीआई भले ही इसको साबित कर सके दोषी ये लड़के हों या कोई और हो, तो मुझे तो इंसाफ चाहिए, और सरकार जैसी सबको मुआवजा देती आई है कि यहाँ पे कौन सा तिवारी पुलिस की गोली से मारा गया था उसको तत्काल ही 50 लाख रुपए, और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी और रहने को फ्लैट भी दिया था, तो मेरी भी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, और वो होनहार लड़की थी मेरी, हो सकता है कि मुझे ये सब मांगने की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ लिख के, यानी क्या बनती वो, मुझे कितना कमा के देती,